जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपको वामन अवतार की कथा सुनाने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। भागवत कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इंद्रलोक में पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए अवतार लिया था, क्योंकि देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। अपनी तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य पा लिया था। वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उन्होंने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि दान में देने का बलि से आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे डाला। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक यानी पृथ्वीलोक नाप लिया, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान विष्णु का चरण धोया और मान्यता है कि इसी जल से गंगा जी का अवतरण हुआ। तीसरे पग के लिए कोई भूमि बची नहीं, लेकिन वचन के पक्के राजा बलि ने तब तीसरा पग रखने के लिए अपना सर प्रस्तुत किया और कहा कि हे प्रभु, अब क्योंकि कुछ बचा नहीं है, इसलिए आप तीसरे पग में मेरे सर को ही नाप लीजिए। भगवान वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए और बलि को सुताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और बलि सुताल लोक पहुँच गए। भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप राजा बलि को दिखाया, अपने विराट रूप का दर्शन कराया और उन्हें महात्मा बलि की उपाधि दी। और तब से हम और आप ये जानते हैं कि राजा बलि असुर थे, असुर के राजा थे, लेकिन परम प्रतापी और बहुत ही दयालु राजा थे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।